हम पहले जूता सीते थे, मेरा बाबूजी नहीं है, माँ है, और हम पहले पढ़ना चाहते थे, कोई नहीं पढ़ा पाता था, तो सर हमको उठा के लाए। हम तो इसका बेरा ठान लिया हूँ कि कोई भी बच्चा भीख मांग रहा या उसका माता पिता नहीं है या उसका कोई फादर डेथ कर गया अचानक और गरीबी स्थिति में है, तो उस बच्चे को हम पढ़ाने का काम करते हैं। बीटेक की डिग्री ली, महानगर में नौकरी छोड़ी और बिहार में आकर अनाथ आश्रम चलाने लगे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन, जहां आज के दौर में युवा बीटेक की डिग्री लेते हैं और बाहर जाकर जॉब करते हैं, जहां एक तरफ वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, जहां वो अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए हिंदुस्तान या तो हिंदुस्तान के बाहर जाकर वो नौकरी करते हैं। लेकिन हम आपको बिहार के एक ऐसे युवा की कहानी बताने वाले हैं जो बीटेक की डिग्री तो ली, महानगर में उनकी नौकरी भी लगी, लेकिन वो सारा कुछ छोड़कर बिहार में अपने गांव में आकर अनाथ आश्रम चलाने लगे। अनाथ आश्रम तो चलाया ही चलाया, साथ में उन नौजवानों को भी ये प्रेरणा दी किस तरीके से अनाथ आश्रम चलाकर उन मासूम बच्चों का देखरेख कर रहे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। कौन है ये लोग, हम आपको बताते हैं। महानगर में जॉब छोड़कर वो बिहार में आकर अनाथ आश्रम चला रहे हैं। दरअसल इनका नाम वीरेंद्र कुमार है और ये अनाथ आश्रम चलाते हैं। क्या कुछ इनका कहना है, पहले आप इनकी बातों को सुनिए अपने अनाथ आश्रम के बारे में। हम पहले जूता सीते थे, मेरा बाबूजी नहीं है, माँ है, और हम पहले पढ़ना चाहते थे, कोई नहीं पढ़ा पाता था, तो सर हमको उठा के लाए कि सर यहाँ पढ़ाने, मेरा पढ़ने का मन था, उठा के लाए हमको पढ़ाने। स्टैंडर्ड फोर में ठीक ठाक सब कुछ सुविधा मिलता है? यस सर। खाना वाना सब ठीक ठाक मिल? हाँ। कहाँ घर है? मेरा क्या बोले थे, नाम क्या बोला? अर्जुन। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। क्लास में पढ़ते हैं? LKG में। LKG में। मम्मी पापा में कौन है? मम्मी पापा में हैं? पापा हैं? नहीं। अच्छा, माँ क्या करती है? गाँव का काम करती है और पास आती है। सुन नहीं पाती? कौन लेके आया आपको? गाँव वाले ने। गाँव वाले यहाँ पहुँचे? मन लगता है पढ़ने में? यस सर। सब कुछ खाने होने का सब मिलता है? हाँ। रहने का जगह होगा? हाँ। क्या नाम आपका? शिवानी कुमारी। सर, हम तो इसका बेरा ठान लिया हूँ कि कोई भी बच्चा भीख मांग रहा या उसका माता पिता नहीं है या उसका कोई फादर डेथ कर गया अचानक और गरीबी स्थिति में है, तो उस बच्चे को हम पढ़ाने का काम करते हैं और सब खाना पीना रहना सारा फ्री में दे रहे हैं। इस व्यवस्था का कैसे समझा, आप क्या करते हैं? सर, हम अभी शहर में जाते हैं, जो पैसे वाले हैं सारे हैं, उनको हम कहते हैं कि मेरे पास बच्चा है, वीडियो दिखाते हैं, सारा चीज़ दिखाते हैं, उसके बाद भी नहीं मानते तो सर आप प्लीज आके मेरे पास आके देखिए, उसके बाद डोनेशन कीजिए, कुछ दीजिए। तो एक कोई आए हैं मेरे पास तो ड्रेस दिए बच्चे सबको, कुछ खाने के लिए दे देते हैं, कुछ चावल दे देते हैं, कोई गेहूँ दे देते हैं। इस तरह से अभी मेरा चल रहा है और बहुत सारे लोग बोले हैं कि सर हम आएंगे देखने के लिए। कौन से कौन क्लास तक है? अभी मेरे पास नर्सरी से 5 क्लास तक बच्चा प्रेजेंट में है और रखे हुए तो 8 क्लास तक। कितना बच्चा है अभी? अभी मेरे पास प्रेजेंट में 110 बच्चे हैं। तो ऐसे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है, खर्चा उठाना बहुत मुश्किल होता है जी। देखिए सर, हम तो कहीं पर भी जाते हैं ना तो समस्या ही समस्या नज़र में आता है, किसी से पूछ लीजिए तो समस्या ही बताता है, तो समस्या हल कैसे हो? तो हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि धीरे जब हम पैर रखे इस पर काम करने में 6 महीना पहले से ही, तो बहुत अड़चन आया खाने पीने में। कितना से चला? हम सर 6 महीना से भी। ये सरकार तो वो जगह व्यवस्था अपने दम पर करने का ये सोच कैसे है? सर, हम शुरू से एक ही चीज़ सोचे थे और सरकार के व्यवस्था के अनुसार हम देख रहे हैं कि पूर्ति नहीं हो रहा बच्चा सब। अभी एक बगल में हाई स्कूल है, इंटर प्लस टू है ना सर, अभी मेरे पास 110 बच्चा है, आप वहाँ जाके देखिएगा तो आपको 50 बच्चा भी नहीं मिलेगा जो प्लस टू तक का है।
कटिहार के वीरेंद्र अपने दम पर समाज में बदलाव लाने के लिए एक अनोखी नज़ीर पेश किया है। बीटेक की डिग्री के बाद वीरेंद्र महानगरों में नौकरी कर रहा था, लेकिन पिता के मौत के बाद उन्होंने अपने गांव में लौटकर वापस आना पड़ा। वहीं मनिया गांव में रहने वाले वीरेंद्र अब जिस विषय पर काम शुरू किया है वो आसान तो नहीं है, मगर अपने दम पर दुनिया में बदलाव लाने का उनका जुनून जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा दे रहा है। रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में मिस्टर इंडिया कहने लगे हैं उन्हें लोग। जी हाँ, फिल्म मिस्टर इंडिया में फिल्म के हीरो अनिल कपूर अपने दम पर अनाथ आश्रम चलाते थे, मगर रियल लाइफ में कटिहार के वीरेंद्र इससे भी आगे सोचते हुए लगभग 100 से अधिक वैसे बच्चों को अपने घर के हॉस्टल में रखकर भोजन और ज़रूरी सुविधा देते हैं और 1 से 5 कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। फिल्म अभिनेता सोनू सूद के फैन है वीरेंद्र। अपने विद्यालय के नाम सोनू सूद इंटरनेशनल स्कूल रखा है, जहां बिना माँ बाप के बच्चे को कभी भी अपने पेट की भूख मिटाने या पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण अपना बचपन और मजबूरी में रोजगार की भट्टी में झोंक दिया था, वैसे बच्चे यहाँ पर तालीम ले रहे हैं। अधिकतर बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हैं, चाय की दुकान पर बूट पॉलिश जैसे काम कर रहे हैं, मगर अब इस विद्यालय में रहकर पेट की भूख मिटाने के साथ साथ अक्षर ज्ञान से रूबरू हो रहे हैं। लोगों से चावल, आटा और अन्य जरूरी चीजें मांगकर किसी तरह से स्कूल को संचालित करने वाले वीरेंद्र कहते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई भी बच्चा मजबूरी में भीख ना मांगे, ना ही बाल मजदूरी करे। बड़ी बात तो ये है कि वीरेंद्र को अपने इस काम के लिए समाज के सहयोग की तो ज़रूरत है ही, पर उसे सरकार से कोई शिकायत नहीं है। उनका मानना है कि हर नागरिक को अपने समाज में बदलाव के लिए कुछ करना चाहिए। तो जहां वीरेंद्र का कहना है कि जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें किसी भी कारण उन्हें अपनी पेट को, अपनी भूख को ना मारना पड़े, उन्हें बाल मजदूरी ना करना पड़े, इसके कारण वो एक स्कूल चलाते हैं, साथ ही साथ 1 से 5 कक्षा के तक वो निशुल्क पढ़ाई करवाते हैं, साथ ही साथ जो अनाथ बच्चे हैं वो 100 बच्चे को वो खाना तक देते हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, हर एक इंसान को अपने राज्य और अपने देश में बदलाव करने के लिए ये काम करना चाहिए। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।